पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बूथ कमेटी के पदाधिकारियों को कानपुर में लखनऊ में संबोधित करने आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार बनी तो हर दिन नया प्रधानमंत्री होगा। सोमवार को यदि मायावती जी प्रधानमंत्री बनी तो मंगलवार को अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, बुधवार को ममता दीदी, गुरुवार को समर्पित शरद पवार तो शुक्रवार को देवगढ़ प्रधानमंत्री होंगे, शनिवार को स्टालिन तो रविवार को पूरा देश छुट्टी पर चला जाएगा। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता देश को बर्बाद करने वालों के इरादे सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी जी ने देश के सम्मान को आसमान तक पहुंचाया है। उनके सामने ये करप्शन का गठबंधन टिकने वाला नहीं है, वैसे भी ये जातिवाद और भ्रष्टाचार का गठबंधन है जिसकी करारी हार होना निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी और बड़े बहुमत के साथ 2019 में सरकार बनाने का काम करेगी। फैला हुआ है वो आपके नेतृत्व में तैयार बैठा है, भारत माता के जयकारे के साथ एक गठबंधन करने वालों को जमीन पर लाने के लिए तैयार बैठा है। मित्रों, 2014 में आजादी के पहली बार, आजादी के बाद अगर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रचार प्रसार को रोकने के लिए एक गठबंधन बना है। आपको याद होगा विधानसभा के जब चुनाव थे तब भी यूपी के दो लड़के इकट्ठा आए थे, याद है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, याद है या नहीं है? गठबंधन हुआ था या नहीं हुआ था? आज भी गठबंधन हुआ है। ये कहते हैं गठबंधन होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस वक्त भी कहते थे, हमारे केशव भाई भी उस वक्त कहते थे गठबंधन हो गया, मगर भारत माँ की जय के जयकार के साथ जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ के मैदान में उतरा, सारे के सारे गठबंधन के घर को ध्वस्त करकर 325 सीट लेकर, ये जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ है वो गठबंधन अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन है। मित्रों, एक स्वार्थी राजनीति का गठबंधन, पूरा जीवन परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वाले राष्ट्रवाद को पराजित करने के लिए एकत्रित आए, पूरा जीवन यूपी को पीछे ढकेलने वाले यूपी के विकास को रोकने के लिए एकत्रित आए। ये जातिवाद का गठबंधन है, ये अपराध का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है। मैं यूपी के कार्यकर्ताओं का आज आह्वान करता हूं, कानपुर की वीर भूमि से अभी तो दो ही इकट्ठा हुए हैं और दो बाकी है, भगवान करे चारों इकट्ठा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डर की जरूरत नहीं। जिसको होना एक बार एकत्रित आ जाए, जिसको भी एकत्रित होना है एकत्रित आ जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50% की लड़ाई हर बूथ के अंदर, बूथ की रचना है, हर बूथ में मेरा प्रहरी बैठा है, हर बूथ हर शक्ति केंद्र पर मेरा इंचार्ज बैठा है, मुझे भरोसा है। जब बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा अध्यक्ष को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया और कहा कि सरकार ने अपने 2 साल में शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास दिलाए हैं। हमने 6 करोड़ नागरिकों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया है। केंद्र सरकार ने घर घर शौचालय दिए हैं। मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और सभी बूथ अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, कानपुर क्षेत्र के, बुंदेलखंड क्षेत्र के इस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बताते हैं। चौकीदार चोर है जिन्होंने 125 करोड़ देशवासियों का दिल चुराया है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस की बैसाखी है जिसने पूरे सिस्टम को बर्बाद करने का काम किया था। इन तीनों पार्टियों की हिम्मत टूट गई है इसलिए तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 और 17 से बड़ी जीत हासिल होगी। आज तो पहले सरकार होगी तो प्लान गिरने का निकाल होगा। आज तो